मिशन एयरफोर्स 2020 फुल लूसेंट फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पार्ट टू यूनिट एंड डायमेंशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ बोल्टमैन कांस्टेंट। बोल्टमैन कांस्टेंट का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए कहाँ से आता है ये। तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस में फार्मूला आता है 3/2 kBT। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं E=kBT। kB हमारा है बोल्टमैन कांस्टेंट, तो kB आएगा हमारे पास E/T। एनर्जी का होता है जोल, टेम्परेचर का केल्विन, तो जोल पर केल्विन इज़ द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ के वेयर के इज इक्वल टू 1/4 πε0 क्या होगा। तो आप जानते हैं 1/4 πε0 को बोलते हैं के, जिसकी वैल्यू आपको पता है होती है 9×10⁻¹। ठीक है, बात करें इसकी वैल्यू की तो वो कैसे आएगी, फ्रॉम कूलम्स लॉ हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू के लिखे हैं 1/4 πε0 1/4 πε0 Q1 Q2 / r² होता है ना, बिल्कुल सही ऐसे होता है। तो आ जाएगा हमारे पास एफ, हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2। तो आप जानते हैं Q1 क्या होता है कॉलम, C1×C2 तो C का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर, R मतलब मीटर, तो मीटर स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा F×M का स्क्वायर, और C इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, सॉरी इसको 1/k नहीं बोलते, K बोलते, क्या बोलते हैं K, 1/4 πε0 k। तो डायमेंशन आ गए मेरे पास F मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, तो F क्या होता है न्यूटन, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ V-B वेयर B इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, तो V हमारे पास हो जाएगा V-B, ये बराबर हो जाएंगे इजिकल टू, तो B किसके बराबर हो जाएगा V, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास B पार्ट राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ कहता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, तो बता दें डाइन जो होता है वो न्यूटन का क्या होता है, वो CGS यूनिट होता है, क्या होता है CGS यूनिट। ठीक है, तो बात करें 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो 10⁵ यहाँ दिया है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगर पूछे ये आया कहाँ से है, तो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अभी हम इस पे करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो आप यहाँ तक रखिए ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फिफ्थ पार्ट है एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट। ऐसा यूनिट पूछ रहा है वो ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट का, तो गैस कांस्टेंट का ऐसा यूनिट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आता कहाँ से है। तो आपने गैस इक्वेशन पढ़ी है जिसका नाम है PV इज इक्वल टू NRT, जानते हो ना PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन द W इज इक्वल टू NRT, P×V क्या होता है वॉल्यूम, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर चुप, तो ठीक है, तो PV क्या होता है W इज इक्वल टू NRT, N क्या है अगर 1 मान ले तो W आता है RT। ठीक है, R आएगा N/NT। ठीक है, तो W क्या होता है जोल, N का होता है मोल, और इसका टेम्परेचर का केल्विन, जोल पर मोल पर केल्विन कहाँ दिख रहा है आपको ए पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है डायमेंशंस ऑफ 1/√μ0 × E0। तो यार ना आपको पता है ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी। तो याद रखना है 1/√μ0 E0 हमेशा होता है सी के बराबर, और सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आंसर होगा ए पार्ट, ये रिमेंबरिंग क्वेश्चन है। 7 कह रहा है टाइम क्या है, तो टाइम बोल रहा है फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, या दोनों है। सभी को पता है टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन बोल रहा है स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, ये स्ट्रेन क्या होता है पिछले पार्ट में, डायमेंशन लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कौन सा डी पार्ट, अभी आया कैसे तो डिस्कस करते हैं। आपको पता है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है विकृति, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बोले तो डेल एल, ओरिजिनल लेंथ बोले तो एल। डेल एल का यूनिट क्या आएगा मीटर, एल का भी मीटर, कैंसिल होके जीरो, डायमेंशन लेस, ठीक है। आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ वॉल इज 1% एंड एरर इज वॉल्यूम। तो पता है बाल की शेप होता है स्पेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस मान लो अगर आर है, आर है तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। 4/3 क्या है और पाई क्या कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 3r आ जाता है, आपने पढ़ा होगा एरर निकालने में, ठीक है। तो आएगा 3 × r, कितना 1 है, तो आ जाएगा 3%, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक थी ये, आंसर आएगा 3%, ओके। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, कह रहे हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ओके। मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इसको हम ऐसे लिखते हैं आर पी साइन थीटा, क्योंकि जब भी क्रॉस हटता है तो आता है साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग, कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है SI यूनिट और CGS में। आपको पता है कह रहा है हीट का है कैलोरी, बिल्कुल सही। हीट का SI यूनिट कहते हैं हीट में, सॉरी CGS यूनिट क्या है, हीट का कैलोरी, बिल्कुल सही। किलोग्राम का ग्राम, ये भी सही। एनर्जी का एर्ग, ये भी सही। लेकिन मीटर का क्या होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, तो इन्होंने लिख दिया है किलोमीटर, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, इन्होंने बड़ा रॉन्ग बताना है, ठीक है। बात करें 12 की, द ऐसा यूनिट है पावर, पावर कैसा यूनिट सभी को पता है, तो क्या होता है वॉट। तो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट सभी को पता है हर्ट्ज, क्या है हर्ट्ज, राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला किसके बराबर है, तो बता दूँ टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी आया कहाँ से, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। 1 टेस्ला किसके बराबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं φm, φm किसके बराबर होता है BA cos थीटा, ठीक है। अगर थीटा को मान लें हम 0, तो आ जाता है φ = BA आ गया हमारे पास, ठीक है, BA आ गया। तो यहाँ आपको पता है टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ से आप टेस्ला निकाल लो, फाई किसके बराबर है हमारे पास BA, तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा φ/A। फाई अभी पिछले पार्ट में डिस्कस किया, फाई क्या होता है वेबर, क्या होता है वेबर, और मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। आंसर आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट आंसर, ठीक है। यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ भी 1, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की विमा क्या है, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस q × 2L, और याद रखना इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। q × 2L, तो q क्या आपको पता है चार्ज, चार्ज क्या होता है I इज इक्वल टू क्या होता है q/t, तो q कहते हैं IT, मतलब AT, I क्या होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर टी, और लेंथ के लिए क्या लगाते हैं हम मीटर, तो आ गया m, मास कितना आ रहा है 0, लेंथ कितनी आ रही है 1, L1,
टी कितना आ रहा है 1, एम्पेयर कितना आ रहा है 1, कहीं दिख रहा है? देखिए सी पार्ट में एम ज़ीरो दिख रहा है, एल वन दिख रहा है, टी वन दिख रहा है, ए वन दिख रहा है, तो राइट हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, अगर नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फुल लूसेंट फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 यूनिट 10 डायमेंशंस पार्ट 2। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। तो कल हम अपलोड करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट।